जय भवानी जय राजपुताना जय श्री राम जय हिंद वंदे मातरम मैं बहुत ही इमरजेंसी में लाइव आ गया और आप सभी को अवगत भी नहीं करा पाया कि, कि किस विषय में लाइव आ रहा हूँ क्योंकि अभी अभी मुझे गाजीपुर के महाराजगंज के एक परिवार से फोन आया है ओम प्रकाश सिंह जी का परिवार है मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ये विषय ही ऐसा था कि मैं चाहता था कि हिंदुस्तान के जो भी लोग जुड़े हुए हैं जो क्षत्रिय समाज के हैं जो राजपूत समाज के हैं जो ब्राह्मण समाज के हैं जो सवरण समाज के हैं उन सभी तक ये विषय मैं अवगत कराना चाहता हूं और ये विषय आपकी कामयाबी का है खुशी मनाने का है आपको अपने ऊपर थोड़ा जो है प्राउड फील करना चाहिए कि ऐसा विषय मैं आप सभी को बताता हूँ और इसीलिए मैं आज लाइव आया हूं मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि मामला है गाजीपुर के महाराजगंज क्षेत्र का जहां पे एक परिवार रहता है ओम प्रकाश सिंह जी का जितने साथी जुड़ रहे हैं सभी से निवेदन है कि रात का समय इसलिए वीडियो को ज्यादा लोग नहीं देख पा रहे होंगे तो शेयर करते जाइए जितने ग्रुप हैं जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं जितने हमारे भाई हैं जितने भी हमारे समर्थक हैं जितने भी सैनिक है सबसे निवेदन है कि जितने भी सोशल मीडिया पे ग्रुप है सभी ग्रुपों में लिंक को शेयर कीजिए फिर मैं अपनी बात रखूंगा फेसबुक पे आप जब शेयर का ऑप्शन दबाएंगे तो शेयर टू ग्रुप का ऑप्शन आएगा उस ग्रुप में लिंक को शेयर कीजिएगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये बात यह विषय जो एक मेहनत है जो एक तौर तरीका है काम करने का जो किसी के लिए न्याय के लिए लड़ने का तरीका होता है अगर उस विषय पे आपको तो कोई जीत मिलती है या उस विषय पे कुछ अच्छा होता है तो मैं चाहता हूं कि वो चीजें किसी के अच्छे काम की तारीफ करना मेरे रक्त में है छतरी के खून में है और मेरे अंदर वो गुड़ है इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि एक ऐसा ही कुछ विषय ऐसा ही कोई किस्सा है जो मैं आप सभी के द्वारा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं तो शेयर करते जाइए सभी ग्रुपों में सभी जगह पे फेसबुक पे व्हाट्सअप पे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे जितने मेरे साथी हैं मैं सबसे कहना चाहता हूं इतना शेयर कीजिए कि ये विषय पहुंचे आज मैं बात करना चाहता हूँ गाजीपुर के एक परिवार की महाराजगंज क्षेत्र में जिनका नाम ओम प्रकाश सिंह है ओम प्रकाश सिंह जी का अपना खेत है जहां पर उन्होंने बहुत मेहनत से बेचारे धान की खेती की अब आप सोचे छत्री परिवार के पास जब नौकरी चाकरी नहीं मिलेगा में तो खेती ही उसका पालन पोषण का एक तरीका है परिवार नियोजन के लिए खेती ही एक तरीका है तो उन्होंने अपना जो है खेती किया खेती करने के बाद जब उनका धान बढ़िया से तैयार हो गया तो वहां के कुछ हरिजन महाराजगंज के कुछ हरिजन उनको ही उनके खेत में कहे कि मैं धान नहीं काटने दूंगा अगर धान काटोगे तो बवाल हो जाएगा और धमकी दिया गुंडागर्दी किए मतलब समझ रहे हैं ना मेरी बात को मैं क्यों कहना चाह रहा हूं हरिजन हरिजन मतलब समझ रहे ना वही भीमटो वही हरिचंद साले इतने मन हो गए हैं अब देखिए अब तक इनके नेता छत्रियों को बोलते थे अब तक इनके नेता उल्टा सीधा वीडियो बनाना ये जो चंद्रशेखर रावण जैसे लोग उनका इलाज किया गया उनका इलाज करने के बाद जो सोशल मीडिया पे एक्टिव था उसका इलाज किया गया अब जब जमीन पे मुझे सुनने में आया कि एक कोई भिंटो, भिंटे, ये कुछ हरिजन लोग हैं जो छत्री के परिवारों से कह रहे हैं कि तुमको तुमको ही खेत में नहीं काटने देंगे तो इस बात की जानकारी हमारे बड़े भाई हमारे साथी हमारे बहुत ही पुराने जिनसे संबंध रहे जब मैं कर्णी सेना उत्तर प्रदेश का प्रदेश संगठन मंत्री था तो मैंने पूर्वांचल प्रभारी के रूप में अपने द्वारा स्वयं अपने द्वारा एक व्यक्ति की नियुक्ति की थी उनका नाम था विपिन सिंह रघुवंशी क्योंकि वो मेरे साथ के सैनिक हैं मेरे साथ के पदाधिकारी हैं संघर्ष में मेरे साथी हैं उनके अंदर जुनून जोश और हौसला हमेशा शरद प्रताप सिंह का रहा है क्योंकि शरद प्रताप सिंह के साथ ही वो काम करते थे और टीम शरद प्रताप सिंह का प्रमुख हिस्सा थे जब मैंने उस संगठन के बाद जब मेरा कार्यकाल खत्म हुआ तो मैंने अपने संगठन का शुरुआत की द, आ, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष सेना हूं आज के समय में और वो इ, आज के समय में श्री राष्ट्रीय राजपूत कण्णी सेना के उत्तर प्रदेश प्रदेश संयोजक के जो सुखदेव गोगामरी जी का संगठन है सुखदेव दादा के संगठन में उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े पद पर प्रदेश संयोजक है विपिन भैया को जब उस परिवार ने बताया क्योंकि मुझे बहुत गर्व होता है कि मेरे साथ काम करने वाले व्यक्ति जिसके साथ में मैंने एक साल काम किया है जिसको मैंने अपने द्वारा नियुक्त किया था जिसको मैंने जो है अपने साथ काम किया है उस भाई ने उस बड़े भाई विपिन सिंह रघुवंशी द्वारा जब इतना बड़ा कदम उठाया गया कि गाजीपुर के उस परिवार ने उनसे संपर्क किया संपर्क करने के बाद वो पहुंचे वहां पे वो शायद कल लाइव भी आए थे आप सभी ने नहीं देखा हुआ तो मैं शेयर कर दूंगा देखिएगा और उस खेत में वो खड़े हो गए बोले कि आज चाहे कुछ हो जाए मैं राजपूतों का धान जो इनका धान है वो कैसे कोई रोक सकता और मैं कटवा के ही रहूंगा मैं आपको बताता हूँ इस विषय को इसलिए आप सभी से बताना चाहता हूँ क्योंकि विपिन सिंह रघुवंशी हमारे बड़े भाई हैं हमारे परिवार की तरह है और पश्चिम बंगाल में विस्तार चल रहा है तो विस्तार के लिए उनके कई सारे लोग जो पश्चिम बंगाल में क्षत्रिय राजपूत भाई हैं वो यहाँ पे उपस्थित रहते हैं तो मैंने उनको परसों एक हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष जो यहाँ के सुजीत सिंह जी द्वारा टिकट कराया गया था कि भैया आप आइए और हम लोग का साथ दीजिए उनका कल जो है ट्रेन था वहां से और उनको कल रात की आठ बजे की ट्रेन में कलकत्ता के लिए बैठना था मेरे पास आने के लिए मैंने उनसे बात किया परसों जब वो वहां पे थे परसों वो खेत में थे उन्होंने कहा कि सलभ भैया मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूं और मैं तब तक नहीं हिलूंगा जब तक इनका धान कट नहीं जाता तो मैंने कहा भैया आप करा लीजिए और शाम को अगले दिन शाम को आपकी छह सात बजे की ट्रेन है तो आप पकड़ के बनारस से आ जाइएगा वो टिकट आज भी उनका वैसे ही रह गया उन्होंने सोचिए उनका टिकट एकदम कराया हुआ गया था एसी में टिकट था उनका सारी व्यवस्था थी सब कुछ उनका सामान वामान पैक हो चुका था उनको एकदम अपने कार्यक्रम के लिए यहाँ आना था मेरी मदद करनी थी विस्तार के लिए मगर क्या कहते हैं स्वाभिमान अमर हमारा छत्री का स्वाभिमान था कि कुछ हरिजन हमारे राजपूत भाई को नहीं काटने देंगे उसका खेत बड़े भैया के लिए मैं सराहनीय बात करना चाहता हूँ आप सभी से कहना चाहता हूं कि विपिन सिंह रघुवंशी जी को व्यक्तिगत फोन करके धन्यवाद दीजिएगा उस आदमी ने मेरा कलकत्ता का प्रोग्राम कैंसिल किया ट्रेन में नहीं बैठे वो सब कुछ कैंसिल किया सारी सुख सुविधाओं को छोड़ते हुए वो पिछले 24 घंटे से उसी खेत में खटिया लगा के बैठे थे शासन प्रशासन में डीएम के एसपी को सीओ को कई सारे मंत्री नेताओं को उनके द्वारा फोन किया गया और कहा विपिन सिंह रघुवंशी यहां से तभी उठेगा जब भाई ओम प्रकाश सिंह का खेत में से धान कटेगा बड़े भाई विपिन सिंह और मोहर सिंह के मंडल अध्यक्ष हैं राजपूत का ये दोनों ही मेरे द्वारा थे। इस समय पे हैं। पहले के प्रभारी थे जब मैं साथ में काम करता था। अब वो प्रदेश वहां के जो है काफी वरिष्ठ पद पे हैं संयोजक हैं उत्तर प्रदेश संयोजक हैं विपिन सिंह रघुवंशी जी द्वारा आप सोचिए कि उस खेत में खड़े होके उन्होंने उस राजपूत परिवार की मदद की हार्वेस्टर लगा के उन्होंने पूरा का पूरा खेत जो है आ, करवाया जो जो भी हरजन समाज के लोग बवाल कर रहे थे ऐसा नहीं था कि वो बवाल कर रहे थे बहुत बड़े बड़े लोगों से उन्होंने कॉन्टेक्ट किया था हरजन के लोग भी अच्छे अच्छे नेताओं से और पुलिस प्रशासन को लेके मजबूत थे कि मैं धान नहीं कटने दूंगा कुछ विवाद चल रहा था मगर हम छत्रियों के स्वाभिमान की परिभाषा को सही ठहराते हुए बड़े भाई विपिन सिंह ने कहा कि मैं खटिया लगा के बैठूंगा और मैं तब तक नहीं उठूंगा गाजीपुर की धरती से जब तक उन छत्रियों का धान नहीं कट जाता तो ये बहुत ही सराहनीय कदम है उनके द्वारा भाई विपिन सिंह रघुवंशी जी को मैं पूरे हिंदुस्तान के क्षत्रिय समाज की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि मैं अब एक हिंदुत्व के संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ तो देश के समस्त हिंदुओं की तरफ से भी धन्यवाद देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं ऐसे वीरों को मैं नमन करता हूँ क्योंकि कोई भी संगठन तो सलभ प्रताप सिंह एक ऐसा व्यक्ति है आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे भी जिसकी सुखदेव सिंह गोगामड़ी जी से भी बनती है राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सिन्हा जिसकी वीर प्रताप सिंह वीरू से भी बहुत बनती है वीरू भैया हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं भाई हैं और बहुत परिवार की तरह हैं वो उनका संगठन करनी से भारत है जिसकी सूरजपाल अम्बू जी से ही बनती है सूरजपाल अम्बू जी भी करनी से रजिस्टर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी मुझे बहुत मानते हैं जिसकी राजपूतों के सबसे अच्छे सबसे बढ़िया संघर्षशील चेहरा भाई उपंदर राणा से ही बहुत बनते हैं उपिंदर राणा भी हमारे बहुत अच्छे दोस्त है बहुत अच्छे संबंध है जिसकी माधव सिंह उर्धर जो ओम मेरा टाइगर फोर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनसे भी बनती है तो मैं इकलौता ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ जिसका हर संगठन के लोगों से बनती है क्यों सबको सम्मान देते हैं सबसे सबको दिल में जगह देते हैं सबको इज्जत देता हूँ इसी वजह से हिंदुस्तान का कोई ऐसा संगठन नहीं है जो चर्चित संगठन हो और सलभ सिंह की उससे बनती ना हो इकलौता हूँ किसी की किसी से कुछ है किसी के किसी से एंटी है किसी किसी से बट आपके भाई शलभ प्रताप सिंह का हर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ सम्मान है सभी लोग मुझे मानते हैं प्यार करते हैं और सभी लोग अपने अपने आईडी से मेरे बारे में चर्चा करते रहते हैं मुझे हमेशा से कभी किसी का वीडियो कॉल आता है उनके संगठन के लोग भी मेरी मदद करते हैं और मैं उनके संगठन के लोगों की मदद अपने संगठन द्वारा करता हूं तो भाई सिंह रघुवंशी अच्छा कदम कि जब राजपूतों को वहां रोका जा रहा था गाजीपुर के महाराजगंज क्षेत्र में कि उनको धान नहीं काटने दिया जाएगा बट बड़े भैया विपिन सिंह रघुवंशी ने वहां 24 घंटे से खटिया लगा के खड़े होकर जितना भी शासन प्रशासन आया डीएमएसपी सबसे कहा कि धान तो कटेगा और अगर चमार सियारूल मुल, ये मूल्य भिमटे छत्रियों को धान नहीं काटने देंगे तो नया इतिहास रचा जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर और जीत हुई उस स्वाभिमान की जीत हुई उस स्वाभिमान की भाई विपिन सिंह जी ने वो धान भी कटवाया और पूरा का पूरा हार्वेस्टर लगवा के लाइव आके कटवाया मैं सल्यूट करता हूं भाई विपिन सिंह रघुवंशी जी को बड़े भाई हमारे भैया मैं आपको नमन करता हूं और आपके जोशों दर्जे को देखिए मैं कहना चाहता हूं रुपया पैसा बड़ा चीज नहीं होता है बहुत पैसे वाले हैं जो उनके पास बहुत सारी गाड़ी है बहुत सारा संपत्ति है बहुत सारा बॉडी गार्ड है बहुत सारा काफिला है विपिन भैया तो बहुत बहुत साधारण परिवार परिवार के है, बहुत गरीब परिवार के हैं हैं ही गरीब मगर उन्होंने वो वो काम करते हैं जो बड़े बड़े पैसे वाला मठाधीश फेल हो जाते हैं क्योंकि उनके अंदर सच्चाई का रास्ता है संघर्ष करने की शक्ति है और कुछ बड़ा करने की शक्ति है कुछ अलग करने की शक्ति है ऐसे व्यक्ति का मैं बहुत ज्यादा तारीफ करना चाहता हूं कि उन्होंने उस छत परिवार के लिए लड़ाई की और जम के लाइव हो के हार्वेस्टर खड़ा करके पूरा का पूरा धान जहां पे बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका था गाजीपुर का अब धान नहीं कट पाएगा मगर विपिन भैया ने मां भवानी की सौगंध खाई थी हम उनका टिकट था कलकत्ता आने का मेरे पास मगर उन्होंने ट्रेन छोड़ दी और कहा कि मैं तब तक लड़ाई करूंगा मैं तब तक संघर्ष करूंगा जब तक ओम प्रकाश सिंह के परिवार की जमीनों पे उनके खेतों पर उनका धान नहीं कट जाता और हार्वेस्टर लगा के धान कड़ा के आए मैं नमन करता हूं ऐसे भाई को वो इस समय श्री राष्ट्रीय राजपूत सेना उत्तर प्रदेश के प्रदेश के संयोजक ओम प्रकाश सिंह के परिवार का जस्ट अभी मेरे पास फोन आया बारह तेरह मिनट मिनट मेरी बात हुई उन्होंने कहा जिसके साथ हुआ है कि सलभ भैया विपिन भैया ने इतना अच्छा काम किया ऐसे किया और मैं जिंदगी भर रेडी रहूंगा और मेरे दो बच्चे हैं एक बेटी दो बेटा वो आज से आप लोग के साथ में काम करेंगे और समाज के लिए आगे रहेंगे तो मैंने कहा जी बहुत-बहुत बधाई हो आपको मेरे बोले जो विषय है जो इन्होंने काम किया है इस विषय को पूरे हिंदुस्तान के लोगों तक पहुंचना चाहिए कि विपिन भैया ने इतना सराहनीय कार्य किया तो मैंने कहा बिल्कुल पहुंचेगा मैं खुद ही अपनी आईडी से लाइव आकर देश के युवाओं को इस बात से बताऊंगा और मैं कहना चाहता हूं देश के भाइयों से कभी 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 भी कहीं ऐसी कोई बात आए मेरे जानने वाले किसान भाइयों के साथ में खेती करने वाले भाइयों के साथ में कि उनके गांव में कभी भी कोई दूसरे कास्ट का आदमी उनको परेशान करता है या जमीनी विवाद करता है तो भाई सलभ प्रताप सिंह को याद करिएगा किसी भी संगठन के द्वारा आपको मदद चाहिए होगी मैं बात करूंगा और आपके लिए आपके न्याय की लड़ाई लड़ूंगा और हमेशा से मैं कहता हूं कि जब भी आवश्यकता पड़े एक बार याद करके देखिएगा किसी भी तरह का बहन बेटी के साथ कोई इंसाफ होता है तो याद करिएगा युवाओं के रोजगार का विषय होता है तो याद करिएगा आपके क्षेत्र में कोई देवी देवताओं के मंदिर का कभी अपमान होता है गलत होता है तो बात करिएगा जातिवादी तरीके से कोई आपके जात को छोटा या नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो बात करिएगा कभी आपका कोई बीमार हो जाए रक्त से लेकर अस्पताल से लेकर एंबुलेंस तक की आवश्यकता होगी तो अपने भाई शरद प्रताप सिंह को याद करिएगा और इस वीडियो के द्वारा मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा साथियों से मैं निवेदन भाई विपिन सिंह रघुवंशी भैया को जानते हैं उत्तर प्रदेश कड़ी सेना के प्रदेश संयोजक है राजपूत कड़नी सेना के प्रदेश संयोजक है भैया को पर्सनली आप लोग धन्यवाद दीजिए मैं नंबर शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप उनका मैसेंजर उनका फेसबुक पर जुड़िए उनको मजबूत करिए क्योंकि वो बहुत ही साधारण परिवार से मगर उनके जो काम है जो उनकी कार्य क्षमता है जब मैंने उनको पूर्वांचल का प्रभारी बनाया था तो वो अकेले थे आज पूर्वांचल के अंदर सबसे ताकतवर संगठन उनके द्वारा खड़ा किया गया जो एक सराहनीय है राजपूतों की शक्ति को केंद्रित करने के लिए उन्होंने सुखदेव सिंह गोगावाड़ी जी का बहुत साथ दिया है ऐसे व्यक्ति को मैं नमन करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं नरपत सिंह परमार जी मैं आपको बता दूं कि मैं आपके ही संगठन के विषय में चर्चा कर रहा हूँ और आप लोगों द्वारा जो काम किया जा रहा है उसको मैं तारीफ कर रहा हूँ जब तक आप विषय जान मत लीजिए अपना राय मत रखा करिए राष्ट्रीय सेना के प्रदेश संयोजक द्वारा बहुत अच्छा काम किया गया है उसकी तारीफ मैं दूसरे संगठन से होने के बावजूद भी देश की जनता के सामने कर रहा हूं क्योंकि मैं सबसे भाईचारा बनाता हूं संगठन कोई भी हो यार अगर हमारे समाज का भाई हमसे जुड़े हुए भाई हैं तो मैं उनकी तारीफ करूंगा उनका मदद करूंगा उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहूंगा और विपिन भैया हमेशा मेरे साथ रहते हैं मोहर भैया हमेशा मेरे साथ रहते हैं मेरे द्वारा ही उनकी नियुक्ति की गई थी दो साल पहले तो आज भी मेरे साथ रहते हैं और जब भी जहां जरूरत होती है एक दूसरे के लिए हम लोग खड़े रहते हैं जय भवानी जय राजपूताना जय श्री राम जय हिंद वंदे मातरम मैं आप सभी को बता दूं कि जो दो विषय थे उन दोनों विषयों पे बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है जो एक मामला था आपका कन्नौज का वहां एक एसपी से मेरी बात हुई है और बहन के साथ न्याय होगा बहुत ही तरीके से एसपी से मेरी बात हुई है इस विषय को शेयर कीजिएगा ज्यादा शेयर कीजिएगा और दूसरा जो भाई के पिताजी को गिरफ्तार किया गया था वहां के जो भी मंत्री इन्वॉल्व थे और जो भी भाजपा की मंडल अध्यक्ष जो थी वहां की पुंडीर रानी पुंडीर उनसे भी बात हुई है उनके पिताजी को सुरक्षित छोड़ा जाएगा मैंने वादा किया था कि पिताजी को सुरक्षित छोड़ाया जाएगा तो सुरक्षित छोड़ा जा रहा है उनके पिता उनके पिताजी को सुरक्षित घर वापस भी जाएगा संघर्ष हमारा था मेहनत आप लोग के आशीर्वाद से थी जो कहते हैं जो बोलते हैं वो निभाते हैं इतनी मेरी जो है परिभाषा है उससे ज्यादा नहीं और हमेशा से जो कहा है वो किया है क्योंकि मेरी जुबान ही मेरी पहचान है शुभ रात्रि साथियों वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा जय भवानी जय राजपुताना जय हिंद वंदे मातरम भारत माता की जय और हमेशा की तरह मैं सबके सबके सबको कहना चाहता हूं जितने भी लोग समाज के लिए काम कर रहे हैं अगर आप कुछ भी अच्छा कर रहे हैं तो मुझे बताइएगा मैं अपने लाइफ पर अगर आप किसी भी संगठन से होंगे मैं आपकी तारीफ भी करूंगा मैं आपके विषय में दुनिया को भी बताऊंगा क्योंकि मेरा एक ही मकसद है सभी भाइयों को अपने एक जाजम के नीचे लेके आना है संगठन कोई भी हो जब मुद्दा या विषय हो तो सबको एक छत के नीचे लेके आना है जो नफरत की दुनिया है जो जलन की भावना है नेताओं में संगठन के पदाधिकारियों में एक दूसरे संगठन के प्रति वो शलभ प्रताप सिंह एक दिन खत्म करके दिखाएगा शुभ रात्रि साथियों